नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टर उपाध्याय। देश में कोरोना के मामले अचानक इतने बढ़ गए हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर की सबसे ज्यादा कमी हो गई है। हालत ये हो गए कि ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से हजारों लोगों की मौत तक हो गई। इसकी बड़ी वजह ऑक्सीजन प्लांटों की कमी का होना तो है ही, साथ ही काला बाजारी भी इसका बड़ा कारण है, जिसके चलते ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिल रही है। देश के अन्य राज्यों के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी ऑक्सीजन की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। यहाँ भी ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से लगातार लोगों की जानें जा रही हैं। लेकिन अब ऑक्सीजन से यूपी में किसी की जान ना जाए, इसे लेकर सीएम योगी ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है, जिसकी मदद से न सिर्फ लोगों की जान बचाई जा सकेगी बल्कि प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत को भी खत्म किया जा सकेगा। दरअसल सीएम योगी कोरोना महामारी से जंग लड़ने के लिए लगातार एक के बाद एक फैसले ले रहे हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के अस्पतालों में 300 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने अहम फैसला सोमवार को लिया है। बताया जा रहा है कि सीएम योगी सभी अस्पतालों में 300 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इनमें 61 प्लांट पीएम केयर्स फंड के जरिए लगाए जाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। सीएम योगी ने अलग अलग विभागों को भी ऑक्सीजन प्लांट लगाने के आदेश दे दिए हैं, जिसमें गन्ना विभाग चीनी मिलों के माध्यम से 75 प्लांट लगाएगा, तो वहीं चिकित्सा शिक्षा विभाग को 24 प्लांट लगाने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग भी अपने कोटे से ऑक्सीजन प्लांट लगाएगा। इस तरह से कुल 300 प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा गया है। योगी सरकार ने यह अहम फैसला इस वजह से लिया है ताकि प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी को दूर किया जा सके। सरकार अगर यह फैसला समय रहते ले लेती तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी। खैर, जो भी हो वो देर आए दुरुस्त आए, और उम्मीद है कि प्रदेश में फैली ऑक्सीजन की कमी को न सिर्फ खत्म किया जा सकेगा बल्कि लोगों की जानें भी बचाई जा सकेगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।